तो क्या हालचाल, उम्मीद करता हूँ सब मस्त होगे, मज़े में होगे और खूब जम के पढ़ाई कर रहे होगे। बच्चों, हम आ गए हैं अपने रोटेशनल मोशन के नेक्स्ट लेक्चर पे, जिसका नाम है रेडियस ऑफ जायरेशन। बच्चों, ये टॉपिक काफ़ी छोटा है, काफ़ी सिंपल है, लेकिन काफ़ी लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि ये है क्या आखिर चीज़ और निकालने कैसे हैं इस चीज़ को, रेडियस को निकालना कैसे है। तो बच्चों, मैं जो तरीका बताने जा रहा हूँ उससे आपकी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी, आपको कभी भी इसके बारे में कोई भी डाउट रहेगा ही नहीं, आप आराम से इजीली सॉल्व कर लोगे हर एक सवाल को। तो ध्यान से देखो, मैं एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, सपोज ये रहा मेरा ऑब्जेक्ट, ठीक है, और ये रही मेरी एक एक्सिस, ठीक है। अब क्या किया, इसका मास है m, सपोज मास है m, इसका मोमेंट ऑफ इनर्सिया, इस मास m का मोमेंट ऑफ इनर्सिया ऑफ कैपिटल मास m, या ऑब्जेक्ट बोलूँ मोमेंट ऑफ इनर्सिया, मैं इसको लिखता हूँ मोमेंट ऑफ इनर्सिया, एक्चुअली में मोमेंट ऑफ इनर्सिया ऑफ ऑब्जेक्ट मास लिख रहा हूँ कैपिटल M इज इक्वल टू आई है, ठीक है। और उसी मास M का एक छोटा सा ब्लॉक लिया जिसका मास है M, सेम मास M है। कितने डिस्टेंस पे, सपोज लिया मैंने इसको के डिस्टेंस पे, कितने डिस्टेंस पे लिया, यहाँ से सेंटर से के डिस्टेंस पे लिया, कितने डिस्टेंस पे, के डिस्टेंस पे। और जब मैं इसका मोमेंट ऑफ इनर्सिया निकालूंगा, इसका मोमेंट ऑफ इनर्सिया ऑफ मास m, मोमेंट ऑफ इनर्सिया ऑफ स्मॉल ब्लॉक क्या है उसका, मास इक्वल टू m, दोनों का मास, उसका मोमेंट ऑफ इनर्सिया कैसे निकालूंगा सर, m r स्क्वायर, तो m k स्क्वायर। अगर मोमेंट ऑफ इनर्सिया ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्सिया ऑफ स्मॉल ब्लॉक है, तो देखना मोमेंट ऑफ इनर्सिया ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्सिया ऑफ स्मॉल ब्लॉक है। तो देखो क्या है, आई बराबर क्या है, एम के स्क्वायर। तो यहाँ पे के की वैल्यू कितनी आई, अंडर रूट आई बाई एम। ये जो के है, इसी के को हम बोलते हैं रेडियस ऑफ जायरेशन। समझ में आई बात। तो कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है, और ये क्या है, एक पार्टिकल मास है। अगर ये दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्सिया बराबर करेंगे, तो k जो डिस्टेंस पे रखने के बाद मोमेंट ऑफ इनर्सिया बराबर आ रहा है, उस k को हम क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ जायरेशन, ठीक है। तो अब इस पे हम क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द रेडियस ऑफ जायरेशन ऑफ अ सर्कुलर रिंग ऑफ रेडियस r अबाउट अ लाइन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग एंड पासिंग थ्रू वन ऑफ इट्स पार्टिकल। तो अब देखो, यहाँ से एक रिंग लिया मैंने, ऐसा मैंने एक रिंग लिया। अब क्या किया कि यहाँ से मेरा बोल रहा है एक एक्सिस है जो कि एक पार्टिकल से क्रॉस हो रहा है, ये देखो ये है, एक पार्टिकल से क्रॉस हो रहा है, ये टच हो रहा है ऐसा, ठीक है। फाइंड द रेडियस ऑफ जायरेशन ऑफ अ सर्कुलर रिंग ऑफ रेडियस आर अबाउट अ लाइन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग एंड पासिंग थ्रू वन ऑफ इट्स पार्टिकल। तो इसके अबाउट रेडियस ऑफ जायरेशन निकालना, कहने का मतलब ये है कि यहाँ से अगर मैं सेम मास यहाँ पे रखूँ, एक मास m रखूँ, कितने डिस्टेंस पे,
के डिस्टेंस पे, और इसका भी मास कितना है, एम है, इसका भी मास कितना है, एम है, ठीक है। तो जो के की वैल्यू आएगी दोनों का मोमेंट ऑफ, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सपोज आई वन है और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा, एम के स्क्वायर है। तो अगर आई वन किसके अबाउट, इसके अबाउट, इसके अबाउट आई वन है, इसके अबाउट आई वन है, तो आई वन इज इक्वल टू वॉट, एम के स्क्वायर है। तो के की वैल्यू क्या आएगी, अंडर रूट आई वन बाई एम। तो आई वन मुझे निकालना है, तो एक चीज़ बताओ, सेंटर से पास हो रहा है, अगर मेरा सेंटर से पास हो रहा है एक्सिस, तो मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, ये सेंटर है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, आई अबाउट सेंटर ऑफ मास क्या होता है सर, रिंग के लिए, रिंग के लिए क्या होता है, एम आर स्क्वायर होता है, पढ़ा चुका हूँ पिछले लेक्चर में। तो आई अबाउट दिस एक्सिस, ये सपोज वाई एक्सिस है, तो आई अबाउट वाई एक्सिस को मैं क्या कैसे निकालूंगा, कैसे निकालूंगा, पैरलर एक्सिस थ्योरम लगा के निकालूंगा, आई सेंटर ऑफ मास प्लस एम डी स्क्वायर, ये मैं पिछले लेक्चर में भी पढ़ा चुका हूँ, पैरलर एक्सिस थ्योरम एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो आई वाई इज इक्वल टू आई सेंटर ऑफ मास एम आर स्क्वायर प्लस एम डी स्क्वायर, एम डी कित क्या है, ये है डी, तो डी कितना है आर, डी है आर, तो एम आर स्क्वायर, तो कितना आ गया, टू एम आर स्क्वायर, टू एम आर स्क्वायर। अब यहाँ से एम के स्क्वायर इज इक्वल टू के इज इक्वल टू अंडर रूट आई वन, आई वन कितना है, आई वाई ही आई वन है, आई वन आई वाई ही आई वन है, तो टू एम आर स्क्वायर बाई एम, टू एम आर स्क्वायर बाई एम, कितना है, एम से एम गया, के की वैल्यू आई अंडर रूट टू आर, के की वैल्यू क्या आई, अंडर रूट टू आर। समझ में आई बात, तो एक एक चीज़ समझ में आ रहा है कि कैसे मैंने निकाला, एक एक चीज़ कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि के एक्चुअली में है क्या, के एक्चुअली में वो रेडियस है या वो डिस्टेंस है उस एक्सिस के थ्रू, जिस एक्सिस के थ्रू उस मास, स्मॉल मास एम का मोमेंट ऑफ इनर्सिया और कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन जो है मास उसका मोमेंट ऑफ इनर्सिया सेम है, तो के जो डिस्टेंस है उसको हम बोलेंगे रेडियस ऑफ जायरेशन, इसको हम बोलेंगे रेडियस ऑफ जायरेशन, ठीक है। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द रेडियस ऑफ जायरेशन ऑफ अ यूनिफॉर्म डिस्क अबाउट अ लाइन परपेंडिकुलर टू द डिस्क इक्वल टू इट्स रेडियस। अगर मैं देखो एक डिस्क लेता हूँ, मैं क्या लेता हूँ, डिस्क लेता हूँ, ये कलर दूसरा चूज कर लेता हूँ, ये लेता हूँ मैं एक डिस्क, ठीक है। अब डिस्क में क्या है कि बोला द रेडियस ऑफ जायरेशन ऑफ अ यूनिफॉर्म डिस्क अबाउट अ लाइन परपेंडिकुलर टू द डिस्क इक्वल्स इट्स रेडियस, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द लाइन फ्रॉम द सेंटर। तो यहाँ पे कहीं कुछ लाइन है, वो लाइन है, ठीक है। अब बोल रहा है कि रेडियस ऑफ जायरेशन ऑफ अ यूनिफॉर्म डिस्क अबाउट अ लाइन परपेंडिकुलर टू द डिस्क इक्वल्स इट्स रेडियस। तो रेडियस ऑफ जायरेशन जो है k की वैल्यू जो है वो कितनी है, r है, k की वैल्यू जो है r है। तो यहाँ से सेम मास मैं रख रहा हूँ m, उसका क्या है रेडियस ऑफ जायरेशन, ये k की वैल्यू है r, ठीक है। अब एक चीज़ बताओ, ये है मेरा सेंट्रल लाइन, मैं फिर से दूसरे कलर से ड्रॉ करता हूँ, ये है मेरा सेंट्रल लाइन, ठीक है। और यह इसके अबाउट मेरा मोमेंट ऑफ इनर्सिया क्या होगा, आई अबाउट सेंटर ऑफ मास इज वॉट, एम आर स्क्वायर बाई टू। तो आई ये है मेरा वाई एक्सिस, तो आई वाई इज इक्वल टू वॉट क्या होगा, आई सेंटर ऑफ मास प्लस एम डी स्क्वायर होगा, यही होगा। तो आई सेंटर ऑफ मास क्या है, एम आर स्क्वायर बाई टू प्लस एम डी स्क्वायर, यही होगा डी स्क्वायर। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द लाइन फ्रॉम द सेंटर, यही डी निकालना है हमें, यही हमें डी निकालना है, ठीक है। तो अब बोल रहा है आई वाई, अब मेरा के इज इक्वल टू आर दिया हुआ है, तो आई वाई इज इक्वल टू एम के स्क्वायर, यही होगा आई वाई इज इक्वल टू एम के स्क्वायर, तो एम आर स्क्वायर बाई टू प्लस एम डी स्क्वायर इज इक्वल टू वॉट, एम के स्क्वायर, के की जगह क्या है आर स्क्वायर है, ठीक है। तो एम डी स्क्वायर इज इक्वल टू वॉट, एम आर स्क्वायर माइनस एम आर स्क्वायर बाई टू, तो
एम दोनों तरफ गया, डी स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू वट, आर स्क्वायर बाई टू, तो डी इज इक्वल टू आर बाई रूट टू आ गया। डी की वैल्यू क्या आ गई, आर बाई रूट टू आ गई। समझ में आई बात मेरी, तो डी की वैल्यू आर बाई रूट टू आ गई। तो देखो हमने कुछ नहीं किया, हमने क्या किया, दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर कर दिया। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोल रहा है कि इसके अबाउट जो है निकालना पड़ेगा, इसके अबाउट निकालना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि इसके अबाउट इस लाइन के अबाउट जो रेडियस ऑफ जायरेशन दे रखा है आर, तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना पड़ेगा। इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, तो क्या लगा दूंगा मैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ये है मेरा पैरेलल एक्सिस थ्योरम, फिर से इसको नोट कर ले रहा हूँ मैं, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ये है मेरा पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ये सब पढ़ा चुका हूँ मैं, कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि मैं नहीं पढ़ाया मैंने। तो एक एक कॉन्सेप्ट देख रहे हो, समझ रहे हो। तो इस तरीके से हमने रेडियस ऑफ जायरेशन का पूरा जो कॉन्सेप्ट है पढ़ लिया है, क्वेश्चन भी कर लिए हैं, और भी आप बहुत सारे क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो, बशर्ते आप पिछले लेक्चर्स को अच्छे से देखते रहो, उसमें मैं हर एक कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ, ठीक है। तब तक से मिलते हैं हम अगले लेक्चर में, एंजॉय करिए, मस्त रहिए, जय हिंद।